कश्मीर के अनंतनाग में कल रात अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों ने कायराना हमला किया। दहशतगर्दों ने निहत्ते अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट रहे थे और गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की इस बस का अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, यानी यात्रियों की सुरक्षा से बड़ी लापरवाही की गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे कायराना हमलों से देश न झुकेगा न डरेगा। श्रद्धालुओं ने भी आतंक को करारा जवाब दिया। हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी है और उसी उत्साह ने आज 3000 यात्रियों का नया जत्था जम्मू से रवाना हुआ। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सुबह 11 बजे गृहमंत्री के घर बड़ी बैठक होने वाली है। साथ ही देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ की 2 और बटालियंस भेजी गई है। सबसे पहले देखिए कायर आतंकियों ने कैसे निहत्ते अमरनाथ यात्रियों को अपनी गोली का निशाना बनाया। सावन की पहली सोमवारी के पवित्र दिन बाबा बर्फानी के भक्तों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। हमला रात 8:20 पर हुआ। ये वो गाड़ी है जो इस हमले में जबरदस्त इसको नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह हर तरफ से इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर तरफ से इस पे गोलियां बरसाई गई है। सामने के शीशे तबाह हो चुके हैं, साइड के शीशे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं भी खून के धब्बे नहीं है, तो इसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसमें शायद कोई व्यक्ति जो है घायल नहीं हुआ है। बल्कि जो बस इस गाड़ी के आगे आगे जा रही थी, जिसमें वो यात्री मौजूद थे, जो इस घटना में सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई और जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई है। खबर है कि आतंकियों ने अनंतनाग से मीर बाजार जा रही गुजरात की बस को निशाना बनाया। इस बस में सारे श्रद्धालु गुजरात के थे। बस गुजरात के वलसाड में ओम ट्रेवल्स की थी। कहा जा रहा है कि ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। हम आपको बिल्कुल वो स्पॉट तक लेके जाएंगे जहाँ पे इस गाड़ी पे गोलियां बरसाई गई, जहाँ पे इस गाड़ी को टारगेट बनाया गया। ये बिल्कुल वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस गाड़ी के शीशे अभी भी बिखरे पड़े हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे उस बस को टारगेट बनाया गया था, जिसमें 7 यात्री जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और कई लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में हैं, उनके जख्मों का इलाज किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए यही है वो बस जिसका नंबर है GJ09Z9976। अब दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर में बस बाहर से दिख रही है, दूसरी तस्वीर बस के अंदर की है। देखिए कैसे बस का शीशा गोलियों से चकनाचूर हो चुका है। बस पर गोलियों के निशान भी हैं। इस बस में सवार सभी श्रद्धालु गुजरात के थे और कहा जा रहा है कि बस अमरनाथ यात्रियों के मुख्य जत्थे से बाहर थी। दरअसल अमरनाथ यात्रा में चलने वाली गाड़ियों और श्रद्धालुओं को जत्था बनाकर रवाना किया जाता है। जत्थे के आगे पीछे सुरक्षा बलों की पायलट गाड़ियां होती हैं। बीच बीच में भी सुरक्षा बलों की फ्लीट होती है, QRT की टीम होती है, ताकि किसी भी तरह के हमले पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। लेकिन गुजरात की इस बस के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस पूरे कॉन्वॉय से बाहर थी। दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर उस बटेलू जगह की है जहां आतंकी हमला हुआ, हमले के तुरंत बाद की। दूसरी तस्वीर अनंतनाग बेस कैंप अस्पताल की है जहां घायलों को इलाज के लिए लाया गया। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। मारे गए लोगों में 6 महिलाएं हैं जबकि एक पुरुष। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले के तुरंत बाद एक एक कर 3 ट्वीट किए। शांतिपूर्वक अमरनाथ यात्रा पर निकले यात्रियों पर हमले की खबर से इतना आहत हुआ हूं कि कहने को शब्द नहीं है। इस हमले की हर तरफ से, हर वर्ग से निंदा की जानी चाहिए। आतंकी हमले के बाद ये पीएम मोदी का पहला ट्वीट था। आपने दूसरे ट्वीट में मोदी ने क्या लिखा वो देखिए। मेरी गहरी सहानुभूति उन लोगों से है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। मैं घायलों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
आतंकी हमले पर पीएम के शब्द बेहद तल्ख होते चले गए। अपने तीसरे ट्वीट में मोदी ने क्या लिखा वो देखिए। भारत इस तरह के कायराना आतंकी हमलों से कभी झुकेगा नहीं। बांटने वाली साजिश कभी कामयाब नहीं होती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरी पूरी सहानुभूति मारे गए लोगों के परिवारों से है। मैं घायलों की सलामती के लिए दुआ करता हूं। वैसे देश भर में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सबने इस हमले को आतंकियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमले के बाद इंडिया न्यूज सबसे पहले वहां पहुंचा जहां आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। हमारे संवाददाता आरिश बिलाल रात भर वहीं मौजूद रहे। आतंकी हमले के बाद वहां कैसा मंजर था, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम इस वक्त बिल्कुल उस जगह पे खड़े हैं जहां से माना जाता है कि आतंकी आए थे और उन्होंने उस गाड़ी को निशाना बनाया जो श्रीनगर से आ रही थी और जम्मू की तरफ जा रही थी। तो ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहां पे ये हमला हुआ है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की अच्छी खासी तादाद यहां पे है। वो आसपास के इलाकों की तलाशी ले रही है, देख रही है कि किस तरह ये हमला हुआ था जिसमें 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत होगी, तकरीबन 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। माना जाता है कि हमला इतना तेज और अचानक था कि मिलिटेंटों ने सिर्फ कुछ मिनट के वक्फे में तकरीबन 100 से ज्यादा गोलियां चलाई। उन गोलियों के खोल जो है वो यहां पे पड़े हुए मिले सिक्योरिटी एजेंसीज को, उनको फिलहाल अपनी तहवील में लिया गया है और उन पे जो निशानात हैं वो सब निशानात हैं कहीं ना कहीं क्लियर इशारा करते हैं पाकिस्तान की तरफ। सारे जो इस्तेमाल वेपन किए गए थे और जो गोलियां इस हमले में इस्तेमाल की गई थी पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार की गई थी। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इतनी सिक्योरिटी बंदोबस्त के बावजूद आतंकी ये हमला करने में किस तरह कामयाब हुए। तो इसका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं गलती उस टूर ऑपरेटर की भी है, उस ड्राइवर की भी है जो बिना रजिस्ट्रेशन के 7 बजे के बाद इस हाईवे पे ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि 7 बजे के बाद यहां पे कोई सिक्योरिटी बंदोबस्त नहीं होता। अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी सिर्फ 7 बजे तक होती है और 7 बजे के बाद जो भी गाड़ी चलती है वो अपनी रिस्क पे चलती है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, बटिंगो, अनंतनाग। इस हमले से अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस बस में अमरनाथ यात्री सवार थे उसका श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। हम आपको बता दें कि रात 7 बजे के बाद किसी यात्री गाड़ी को राजमार्ग पर चलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ये बस बिना सुरक्षा, बिना परमिट हाईवे पर कैसे चल रही थी? सुरक्षा बलों ने इस बस की चेकिंग क्यों नहीं की और बस को रोका क्यों नहीं गया? सवाल ये भी है कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों पर ये हमला आखिर हुआ कैसे? सवाल ये भी है कि अमरनाथ यात्रियों के जत्थे से ये बस अलग कैसे हो गई? सुरक्षा में बड़ी चूक। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए इस बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा बेहद सख्त थी। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल बता रहे हैं कि कैसे जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना होते हैं यात्री और इस हमले में कहां हुई सबसे बड़ी चूक। अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा बर्फानी की जो यात्रा चलती है उसके लिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, खासतौर पे जो यात्री कॉन्वॉय में जाते हैं। आप अगर यहां देखेंगे तो ये सीआरपीएफ का वो दस्ता है जो किसी भी तरह से आतंकियों की चुनौती को निस्तनाबूद करने के लिए तैयार रहता है। आप देखेंगे हथियारों के साथ लैस ये जो सुरक्षा बलों के जवान हैं सीआरपीएफ के, ये लोग इसी तरह से सबसे आगे जो है किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सबसे आगे चलते हैं और इसी तरह से ये जो सुरक्षा बल हैं ये पूरे रास्ते जम्मू से लेकर बेस कैंप से लेकर बालटाल और पहलगाम तक जाते हैं। आप देखेंगे ऊपर हथियारबंद सुरक्षा बल जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात रहते हैं और हर 4 से 5 जो गाड़ियां सुरक्षा बलों की रहती हैं उनके बीच में रहते हैं। इस तरफ देखेंगे तो
हर तरफ जो है इनकी नजर रहती है, चाहे सामने हो या पीछे हो, दाएं हो या बाएं हो। और इसके ठीक पीछे ये फ्रंट है, उसके बाद आप देखेंगे तो पीछे का आपको नजारा दिखाऊंगा। पीछे इसी तरह से बसेस जो हैं अलग अलग रहती हैं। ये देखेंगे आप एक बस है, और इस बस के ऊपर भी आपको बताऊं, क्योंकि ये कॉन्वाई की बस है तो इसके ऊपर सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी चेक हुई है ये बस, और उसके बाद ये बालटाल जाने वाली है। और इस गाड़ी को एक नंबर लगाया गया है, और इस गाड़ी को इस कॉन्वाई में शामिल होने के लिए ये जो जरूरी चीजें हैं, चेकिंग है, एक रजिस्ट्रेशन है, वो कराना होता है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे तक लंबी कतार जो है गाड़ियों की, चाहे वो छोटी गाड़ियां हैं चाहे वो बड़ी गाड़ियां हैं, वो रहती हैं। और इसी तरह से कॉन्वाई के साथ ये बाबा के भक्त जो हैं ये निकलते हैं, और पूरे रास्ते बाबा के भक्त जो है बाबा की महिमा करते हुए यहां से आगे अपने पड़ाव की ओर निकलते हैं। तो ये वो तरीका है जो कॉन्वाई के साथ चलने वालों के हैं। मगर जो अनंतनाग में हमला हुआ है वो बस इस कॉन्वाई में नहीं थी, उस कॉन्वाई को छोड़कर वो एक दिन पहले कश्मीर आती है, वहां वो शायद घूमते हैं, और उसके बाद वो जम्मू आते हैं बिना किसी को जानकारी दिए। और रात के अंधेरे में जब वो निकलते हैं तो उनको आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लश्करे तैयबा ने कल अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली है, अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी ली है लश्करे तैयबा ने। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमरनाथ यात्रियों पर कल हमला हुआ था जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, 15 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी एक बस के ऊपर जो दर्शन करकर जम्मू लौट रही थी, और आतंकवादियों ने ओपन फायर कर दिया था इस बस के ऊपर, और उसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ रहे हैं और संवाददाता आरिश बिलाल जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आज राजनाथ सिंह ने मीटिंग भी बुलाई है और लश्करे तैयबा ने अब इस हमले की वो भी ले ली है, जिम्मेदारी भी ले ली है, तो क्या बड़ा फैसला ले सकते हैं एनएसए, राजनाथ सिंह और रॉ और आईबी चीफ की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें? देखिए, अमरनाथ यात्रा पर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, जो आईबी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस घटना को अंजाम लश्करे तैयबा पर संदेह जताया जा रहा है, और लश्करे तैयबा ने इसको अंजाम दिया है। आतंकी इस्माइल जो कि कहा जा रहा है आईबी सूत्रों की माने तो ये जिस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इस्माइल है। तो ये सबसे बड़ा खुलासा यह है कि संदेह साफ तौर पर लश्करे तैयबा पर है, और उसका मास्टरमाइंड अमरनाथ यात्रियों पर अटैक का मास्टरमाइंड इस्माइल है। और जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो अमरनाथ यात्रा जो कि जारी है उसे किस तरह से और सुरक्षा चाक चौबंद किया जाए। और आतंकियों के मूवमेंट के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं, तो उसके बारे में इस बैठक में पूरी तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। आरिश, ये बताइए कि अमरनाथ यात्रा तो जारी है, आतंकवादी हमले से डरे नहीं है श्रद्धालु, लेकिन सुरक्षा के अब क्या इंतजाम वहां पे किए गए हैं कि आगे से इस तरह का कोई हमला ना हो पाए? देखिए, सुरक्षा के पहले से ही चाको चौबंद बंदोबस्त है। सिर्फ ये घटना इसलिए घटी क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया। जैसा अभी अजय भी बता रहे थे कि ये गाड़ी जो है ये 7 बजे के बाद इस इलाके में ट्रैवल कर रही थी, जबकि 7 बजे जो डिप्लॉयमेंट होती है अमरनाथ यात्रा के लिए उसको हटाया जाता है। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक 14 घंटे यहां पे सीआरपीएफ की टुकड़ियां इस हाईवे पे लगी होती हैं, लेकिन 7 बजे के बाद उनको हटाया जाता है क्योंकि उसके बाद यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, और यात्रा के लिए जो भी कॉन्वॉय चलती है उसके आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है, सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त होता है। लेकिन ये जो घटना घड़ी जिसमें इस गाड़ी पे टारगेट किया गया था, न तो वो रजिस्टर्ड है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से, बल्कि और उन्हें अगर कहीं पे रोका भी गया होता तो टूर ऑपरेटर्स उनको बताते हैं कि आप अपने आप को एज टूरिस्ट प्रेजेंट करें, अपने आप को पिलग्रिम यात्री ना बताएं। तो अब चूंकि अभी ये घटना घटी है तो सिक्योरिटी के बंदोबस्त और ज्यादा टाइट किए जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि 11 बजे गवर्नर एनएन वोरा ने श्रीनगर में
एक मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, जिसमें उन्होंने सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदों को बुलाया है और दोबारा से पूरी प्रक्रिया जो है सिक्योरिटी की जो रिव्यू मीटिंग है उसको लिया जा रहा है, ताकि अगर कोई लूप होल है उसको बंद किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना दोबारा से ना घटे। अभी तकरीबन और एक महीने ये यात्रा चलेगी। आरिश और राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि आखिर इस पूरे हमले को आतंकवादियों ने कैसे अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि आतंकियों ने पहले एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमला बोला, जो आतंकी थे वो एक समूह में थे और बख्तरबंद गाड़ी पर हमला करने के बाद ये आतंकवादी भाग गए। जो बस में जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर इन्होंने खुली फायर कर दी। भागते आतंकियों का सामना पुलिस की जीप से हुआ, जब ये वहां से फायर करके भागे हैं तो पुलिस की जीप ने इन्हें रोकने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने पुलिस की जीप पर भी हमला बोल दिया। इनके पास AK-47 जैसे वेपन्स थे, वहां से गुजर रही श्रद्धालुओं की बस को फिर इन्होंने निशाना बनाया और इनके पास बहुत ही हाईली स्पेशलाइज वेपन्स थे, जिससे इन्होंने ओपन फायर शुरू कर दिया। आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी है, यात्रियों में अब भी उतना ही उत्साह है। जम्मू से आज 3000 यात्रियों का जत्था कैसे बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ रवाना हुआ, देखिए हमारे संवाददाता अजय जाडियाल की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के भक्त जम्मू से एक बार फिर उन आतंकियों को चुनौती देने निकले हैं जो कहीं ना कहीं इन निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाते हैं। मेरे साथ आपको बता दूं, बाबा बर्फानी के वो भक्त हैं जिसमें आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए बाबा के वो भक्त हैं, जिनमें साधु समाज के लोग हैं, जिनमें आम नागरिक हैं, बाबा के भक्त हैं और इन्होंने एक ही चीज ठानी है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएंगे। कोई डर खतरा लग रहा है? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, डरे तो सामने वाला डरेगा हमसे, हमारा जो हौसला है उससे बहुत डरेगा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने के लिए पूरा साल इंतजार होता है? जी जरूर होता है, बिल्कुल होता है, साल इंतजार होता है, हर पल इंतजार होता है। बाबा, आज जब ये आतंकी हमला हुआ है जिन्होंने ये किया है, उनको क्या कहना चाहेंगे? तमिल 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 मद्रास। आप बताएं, जो आतंकी जिन्होंने हमला किया है उनको क्या कहना चाहेंगे? आतंकवाद है, देशद्रोही है। क्या होना चाहिए, सुरक्षा बलों को क्या करना चाहिए? हाँ, कस दंड में लड़ना चाहेंगे, दंड तो होना चाहेंगे उनको। आपको बता दूं, आतंकियों को उसी प्रकार का दंड, उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने मासूम आतंकियों पर हमला करके किया है। आज मैंने 5 साल से मैं गया हूँ, मेरे सामने में गोली भी चला है और बादल भी फटा है और कितनी तरह का संभावना है, लेकिन फिर भी बोले बाबा का दर्शन करना है। बोले बाबा के दर्शन करना है, आप समझ सकते हैं जो बाबा की आस्था के साथ चलते हैं उनके लिए आतंकी क्या या फिर कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्या, उनके लिए बाबा बोले ही सब कुछ हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं।